गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ माय टॉपिक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस। ठीक है ना, प्रीवियस डे आपने स्टडी करी थी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मैट्रिसेस एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है बेटे, और उसका फॉर्मेशन फाइंड किया था। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को लेके। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आता है रो मैट्रिक्स। ओके, लेक्चर नंबर 2 है आज हमारा। फर्स्ट ध्यान रखना बेटा, फर्स्ट लेक्चर हो चुका आपका, इससे वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था वो। ठीक है ना, लेक्चर नंबर 2 में क्या करें, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है समझो, रो मैट्रिक्स जिसमें केवल ओनली वन रो हो चाहे कॉलम कितने भी हो। ठीक है ना, रो कितने चाहिए, ओनली वन। जैसे फॉर एग्जांपल ये रही, तो वन रो है, कॉलम देखो कितने, 1 2 3, थ्री कॉलम है और रो कितनी है इस तरह से, वन है। ओके, थ्री कॉलम हो, या इन जनरल मैं लिख सकता है, जनरल फॉर्म क्या होती है, ए आई जे, वन क्या होनी चाहिए, रो, और एन कॉलम्स, कॉलम चाहिए कितने भी हो जाए, एन बस फाइनाइट होनी चाहिए, ध्यान रखना बेटे। ठीक है ना बच्चे, तो ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स वही होता है बेटा, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम। अब इसमें क्या कह रहा है, कॉलम कितना चाहिए, ओनली वन कॉलम होने चाहिए। ओके बेटे, तो वन कॉलम क्या, जैसे 1 2 3, देखो रो कितनी है, 1 2 3, इस तरह से रो होती है, इस तरह से कॉलम होते हैं, तो 3 by 1 के हो गए, 3 रो 1 कॉलम, वही इसका जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म में क्या कह रहा है, तो जनरल में कह रहा है इन कॉलम मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए एन बाई वन। एन बाई वन का मीनिंग समझ में आ गया, एन तो क्या होनी चाहिए, रोज कितनी होनी चाहिए, एन होनी चाहिए, कॉलम केवल ओनली वन ही होना चाहिए। ओके, जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स उसको मैं कि ऑल मैट्रिक्स के अंदर ऑल एंट्रीज कैसे होनी चाहिए, फिल जीरो की फिल होनी चाहिए, तो क्या कॉल करेंगे बेटा, जीरो मैट्रिक्स। उसने कहा ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई एंड जे, यानी आई और जे के हर दोनों पॉइंटों के लिए, आई और जे की चाहे वैल्यू कुछ भी हो, यानी एलिमेंट्स की वैल्यू कुछ भी हो, तो उन सब पे वैल्यू कितनी डिफाइन होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज दोनों क्या होनी चाहिए, बोतार सेम होनी चाहिए, जितनी रोज हो उतने ही क्या होने चाहिए, कॉलम्स होने चाहिए, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स कॉल करते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 2 3, देखो 2 रोज एंड 2 ही कॉलम्स। ठीक है ना, 1 by 1 का मैट्रिक्स। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स कैसे कहते हैं, अ डायगनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम बाई एम हैविंग 11 12 33 amm एज डायगनल एलिमेंट्स इज डिनोटेड बाई डायगनल 11 22 33 एंड सो amm। इट इज मीनिंग समझाता हूँ क्या है, देखो डायगनल मीनिंग, डायगनल जो मैट्रिक्स होता है आपके माइंड में 2 डायगनल चल रहे होंगे मैट्रिक्स के अंदर, कैसे, ऐसे तो एक तो ये हो गया डायगनल्स और एक ही हो गया बेटे, पर इसमें डायगनल हमेशा वन ही होते हैं, जो प्रिंसिपल डायगनल होता है वो नहीं, ये होता है। कैसे मीनिंग, क्या मीनिंग है इसका, मीनिंग समझाता हूँ बेटा, इसका मीनिंग ये बच्चे कि जब हमेशा रिमेंबर दैट, एक पॉइंट्स ध्यान रखेंगे बच्चे, कि जो ये देखो होता है ना ए बी सी, ये जो होता है इट्स कॉल्ड अ डायगनल, क्योंकि ये 11 वाला पॉइंट होता है, ये 22 होता है, ये 33 होता है बेटा। ठीक है ना, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, जितनी रोज और उतने ही क्या होते हैं इसमें, कॉलम्स होते हैं, तो रोज और कॉलम्स बोथ आर सेम होते हैं इसमें, तो इसलिए हम लोग 2 by 2 का रखेंगे या 3 by 3 का रखेंगे मैट्रिक्स। ओके बच्चे, तो ये ध्यान रख बेटे इसमें। ठीक है, तो देख इसके बाद उसने क्या कहा कि इसकी कंडीशन को समझते हैं, जनरल सॉल्यूशन को, इसका जनरल फॉर्म क्या कह रहा है, ए आई जे कोई मैट्रिक्स होगा, एम बाई एम को यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तो उसने कहा ए आई जे इज इक्वल टू जीरो होगा। ए आई जे जीरो कब होगा वो बताना चाह रहा, फॉर ऑल जब आई डज नॉट इक्वल टू जे, यानी जब आई और जे दोनों क्या हो, डिफरेंट हो। डिफरेंट का मीनिंग क्या हो, जैसे ए 12 लिखा मैंने, तो यहाँ पे रो और जे, रो और कॉलम दोनों कैसे डिफरेंट है, नहीं है, तो जब डिफरेंट होंगे तो उस टाइम पे क्या होगी वैल्यू, जीरो, और जब सेम होंगे, जब सॉरी डिफरेंट होगी वैल्यू, देखो उसे लिखा ना आई डज नॉट, कितना लिखा हुआ जे, जब डिफरेंट होगी वैल्यू तो वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, और जब वैल्यू सेम हो जाएगी तो कोई भी एलिमेंट वहाँ हो सकता है, ए बी सी मतलब कोई भी डिफरेंट एलिमेंट हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है, दिस इज कॉल्ड ए डायगनल मैट्रिक्स, ओनली केवल 1 डायगनल होते हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का बेटे। ओके, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स सेम ऐसे इसी टाइप का होता है, बट इसमें क्या कहना चाह रहा समझो, उसने कहा कि आई डज नॉट इक्वल टू जे है तो वैल्यू हमेशा जीरो मिलेगी, यदि आई इज इक्वल टू जे हो जाए तो कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी, और तुम्हें पता कॉन्स्टेंट वैल्यू पूरे मैट्रिक्स की सेम ही होगी, यहाँ तो क्या होती है डिफरेंट होती है ए बी सी, ओके, यहाँ क्या होगी सेम होती है स्केलर मैट्रिक्स में। ओके बेटा, इसकी भी यही रूल्स है, पॉलिसी यही है, क्योंकि डायगनल का एक पार्ट आता है ये भी, पर क्या आगे उसके आगे बताता हूँ, प्रोसेस में नोट में कुछ बात लिखवाई है मैंने, वो भी समझाता हूँ बेटा भी। ठीक है ना, तो समझ में आ गया स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, जब आई डज नॉट इक्वल टू जे होगा उस टाइम पे वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, बट जब आई जे के इक्वल हो जाएगा यानी 22 33 11, उस सिचुएशन पे हमेशा वैल्यू कितनी आएगी, कॉन्स्टेंट आएगी बेटा आपके पास। ओके बच्चे, कोई डाउट तो नहीं बेटा, तो ये 3 by 3 यानी ये भी क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है बेटा। ओके बच्चे।